नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जो कि जारी हो चुके हैं इनको किस प्रकार से प्रिंट करना है और पॉपअप सॉल्यूशन हमको किस प्रकार से निकालना है सत्र 2020-21 के लिए तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने साला दर्पण में जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है इसमें सबसे पहले हमको पहुंचना है रिज़ल्ट सेक्शन में यह हम रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं और रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही रिज़ल्ट रिपोर्ट्स पे जाना है रिजल्ट रिपोर्ट्स पे जाने के बाद हमको ये देखना है स्टूडेंट सेशन दो हज़ार उन्नीस बीस पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर दो हज़ार उन्नीस बीस लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये जो बीस इक्कीस का जो जो चल रहा है प्रजेंट में इसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं यह कुछ इंट्रक्शन है ऊपर जो पढ़ लेते हैं हम कि फाइल जनरेट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वेब ब्राउजर में पॉपअप ओपन किया हुआ है अन्यथा तो फाइल जनरेट हो जाएगी लेकिन डाउनलोड या सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा ऐसी स्थिति में ब्राउजर के ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा आप इससे सही कर सकते हैं तो पोपा से संबंधित जानकारी को हम इस वीडियो के लास्ट में देंगे और सबसे पहले हम यहाँ ये यह सत्तर चूज कर लेते हैं क्लास है हमारी यहाँ भस्ट और सेक्शन हम दे देते हैं ए तो इसमें गो बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सभी बच्चों के नाम और पिता के नाम और उनकी जो डिटेल्स है वो प्रकट हो जाती है यहाँ से आप प्रत्येक बच्चे का एक एक करके जो सर्टिफिकेट है वो देख सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो और यदि आप सारे बच्चों के एक साथ प्रिंट करना चाहो तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो मैं यहाँ पर एक बच्चे का प्रिंट कर लेता हूँ ये मैंने एक बच्चे का क्रमोन्नति प्रमाण पत्र प्रिंट कर लिया है इस क्रमोन्नति प्रमाण पत्र में जो स्कॉलर नंबर है अपने एस नंबर उनकी जो डिटेल्स है सारी की सारी बच्चे की वो अपने एसआर नंबर है उससे मिलान कर लेनी है और मिलान करने के पश्चात ही जो संस्था प्रधान है उसको यहाँ पर साइन करना है तो ये प्रमाण पत्र आपको कम से कम तीन प्रिंट में निकलवाना है तीन कॉपी निकलवानी है जिससे कि भविष्य में आपको ई मित्र या फिर एक्सवाईजेड जेड जो भी फोटोकॉपियर की दुकान है वहाँ पे आपको चक्कर नहीं लगाने पड़े अब हम बात कर लेते हैं पॉपअप विंडो की तो पॉपअप विंडो के लिए हम जो भी ब्राउज़र काम में ले रहे हैं जैसे हम गूगल क्रोम ब्राउज़र काम में ले रहे हैं तो यहाँ हम चलते हैं गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में चलने के बाद जो थ्री डॉट का निशान दे रखा है हमको यहाँ पे हमको क्लिक करना है यहाँ थ्री डॉट का निशान नहीं दे रखा ये देखिए आप थ्री डॉट का निशान यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से कोई ड्रॉप डाउन मेनू खुली ड्रॉप डाउन मेनू में आपको जो सेटिंग है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और सेटिंग पे क्लिक करने के पश्चात आपको नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करके साइड सेटिंग पे चले जाना है साइड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पॉपअप एंड डेडिकेट्स तो यहाँ पर ये यह मेरा ब्लॉक हो रहा है तो मैं इसको ऑन करता हूँ ये मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर इसको इस तरीके से टच करते ही ये ब्लू कलर में बदल गया अब देखिए ये यह यहाँ पर मेरा जो पोप अप है वो ऑन हो चुका है और जो भी मेरी फाइल डाउनलोड होगी वो मेरे को सेव का ऑप्शन दिखाई दे देगा तो ये थी समस्त जानकारी पोप, पोप के संबंध में और जो प्रमाण पत्र है उसका प्रिंट हम कैसे निकाले उसके संबंध में यदि इस संबंध में कोई क्योरी हो तो आप कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में